आप देख सकते हैं करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके में आशा मनोज वधवा मेयर पद की प्रत्याशी के साथ उषा तुल्ली कांग्रेस की प्रत्याशी का किस तरह से रोड शो निकल रहा है और खुले समर्थन में आशा मनोज वधवा के साथ उषा तुल्ली सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप तस्वीरें समय देख सकते हैं, इस समय करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखे जा सकते हैं। सभी जगह इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उषा तुल्ली हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सांझा रोड शो निकाल रहे हैं? हम जो रोड शो निकाल रहे हैं, कांग्रेस एक है, एक ही रहेगी, ये जनता का प्यार है। जय हिंद जय भारत। वार्ड के लिए आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, दोनों कैंडिडेट आपके बीच में है। जय हिंद जय भारत। आप देख सकते हैं इस समय रोड शो निकालते हुए उषा तुल्ली और मनोज वधवा इस समय जहां जहां जा रहे हैं। जोरदार तरीके से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें करनाल की आप देख सकते हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन पार इलाका रामनगर प्रेमनगर का इलाका, जहां पर बड़ी संख्या में लोग देखे जा सकते हैं। समोसे वाली गली लाइन पार इलाके में पहुंचे उषा तुल्ली व मनोज वधवा और किस तरह से रोड शो में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखे जा सकते हैं। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर मौजूद हैं और किस तरह से सभी दुकानदारों के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें करनाल की है। तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में युवाओं का प्रोत्साहन, युवाओं का समर्थन भी आशा मनोज वधवा के साथ आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें करनाल के लाइन पार इलाके रामनगर प्रेमनगर से देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में नौजवान युवक भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड शो में निकले हैं और हर दुकान हर घर में जाकर लाइन पार इलाके में ये रोड शो निकाला जा रहा है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उषा तुल्ली के साथ साथ मेयर पद के प्रत्याशी मनोज वधवा यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें करनाल के लाइन पार इलाके की है।
तो ये आप देख रहे हैं करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके में, जहां पर कांग्रेस समर्थित पार्षद उषा तुल्ली और INLD के उम्मीदवार मनोज वधवा का इस समय आप देख सकते हैं तो युवा मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके में, जहां पर ये पैदल रोड शो आज निकाला जा रहा है करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके से। आप ये रोड शो की सीधी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, हर गली लोगों से मिलते हुए समोसे वाली गली में इस समय मौजूद है, जो मशहूर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे लाइन पर इलाके को कवर करते हुए इस रोड शो में जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये तस्वीरें करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके में निकल रहे रोड शो की आप देख सकते हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखे जा सकते हैं और किस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामनगर प्रेमनगर से पार्षद पद की प्रत्याशी उषा तुल्ली के साथ साथ मेयर पद के प्रत्याशी मनोज वधवा का पैदल रोड शो निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि वधवा जी के जो फादर हैं वो हालांकि 2-3 दिन से बीमार चल रहे थे, वो भी आज पहुंचे हैं पैदल रोड शो में। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी दुकानों में जाकर इस रोड शो को निकाला जा रहा है। सभी वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे हैं करनाल के लाइन पार इलाके में, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं रामनगर प्रेमनगर में यह पैदल रोड शो निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड शो निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सभी दुकानदार किस तरह से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के रोड शो सभी प्रत्याशी एक एक करके निकालेंगे और आप तस्वीरें देख सकते हैं। बहरहाल आने वाली 16 तारीख ही तय कर पाएगी कि करनाल से अगली सीट कौन जीत पाता है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का माहौल जो है लाइन पार इलाके में चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर लाइन पार इलाके से, यहाँ आप क्या कहेंगे? एक मिनट वो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी और मेयर के प्रत्याशी एक साथ यहां पर रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करेंगे एक में। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोग परिवार यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, एक तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से माहौल देख रहे हैं? देखो जितना प्यार मिल रहा है आज तक हमने आज अपने इतिहास में नहीं देखा। सभी पार्टियां, सभी दल के 36 बिरादरियां मनोज जी को समर्थन कर रही हैं। आशा जी भरपूर बड़ी भारी मात्रा से कम इतने मार्जिन से जीतेंगे कि ऐतिहासिक होगी हमारी जीत। जिंदाबाद। हमारे इलाके में हर जगह में कुर्सी का माहौल है, हर एक आदमी छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सारे बोल रहे हैं आशा मजबूत मनोज वधवा 100% हम जीतेंगे 100%। देख सकते हैं कि लाइन पार इलाके में आज ये पैदल रोड शो निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे जो भी लोग देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि करनाल का मेयर का चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस चुनाव पर विशेष तौर पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक समीकरण है वो रोजाना बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के लाइन पार इलाके की, जहाँ पर कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार उषा तुल्ली के साथ साथ मेयर पद के प्रत्याशी मनोज वधवा अपना यहां पर रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, पैदल वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सोधी साहब जो जागरण पार्टी के एक मशहूर सदस्य हैं और पार्टी चलाते हैं, तो सोधी साहब हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रामनगर प्रेमनगर में पहुंचे हैं। आशा वधवा जी बहुत भारी मत से बढ़ेंगी और सबका सहयोग है, पूरे रामनगर का, सभी साथियों का और हमारी जितनी भी यूनियन है सभी इनके साथ है। आशा वधवा जी के साथ बहुत वोटों से आगे जीतेंगे। बोला सच्चे दरबार की जय। आप देख सकते हैं कि रोड शो में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर आज पहुंचे हुए हैं और सभी प्रत्याशी एक एक करके इस तरह से चुनावी माहौल को और गर्म करते हुए नजर आएंगे। आपके बीच में सभी आएंगे, लेकिन हर चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल में,
किस तरह से चुनाव प्रचार की तस्वीरें हैं। समय आप देख रहे थे कि करनाल के रामनगर प्रेमनगर इलाके में कांग्रेस की पार्षद पद की उम्मीदवार उषा तुल्ली के साथ साथ मेयर पद की प्रत्याशी किस तरह से अपना ज्वाइंट ये रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की आप देख सकते हैं, जहां पर सभी जगह पर यहां स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें करनाल की है। तो इस समय आप देख सकते हैं रोड शो निकाला जा रहा है। मनोज वधवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस इलाके में रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, आज कहाँ पर पहुंचे और क्या कुछ? आज रामनगर में हम सभी समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और जिस प्रकार से रामनगर की जनता का असीम अथाह प्रेम मिल रहा है तो निश्चित तौर पर बड़ी खुशी हो रही है और पूरा सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है और मैं बड़ा बड़ा आभारी हूँ रामनगर की जनता का, लाइन पार एरिया का। सभी लोगों ने एकजुट होकर आज ये दर्शा दिया है कि हम ये चुनाव जीतेंगे और बहन करनाल शहर की बहन उषा तुल्ली जी को पार्षद पद के लिए और आशा वधवा जो करनाल की बेटी करनाल की बहन है उसको निश्चित तौर पे वो मेयर के पद पर बिठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में रोड शो पे जो है लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें करनाल के समय आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।